नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बंगाल बीजेपी को ममता बनर्जी देंगी बड़ा झटका। टीएमसी के नेता मुकुल रॉय का बड़ा दावा, कहा भाजपा के 24 विधायक हमारे सीधे संपर्क में है। आप लोगों को बताते चलें, विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही भाजपा बंगाल में लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और पूरी तरीके से टूट के कगार पर भाजपा खड़ी हो चुकी है। सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। अब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय ने बड़ा खुलासा किया है। मुकुल रॉय ने दावा किया है कि उनके संपर्क में करीब भाजपा के 24 विधायक हैं जो कि टीएमसी में आने को तैयार हैं। मुकुल रॉय ने कहा है कि ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी सूची है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल मुकुल रॉय का यह बड़ा बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक हफ्ते के भीतर 3 बीजेपी के विधायकों ने टीएमसी का दामन थामा है और देख सकते हैं कि एक एक करके बीजेपी के सभी नेता टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं और जबरदस्त झटका ममता बनर्जी दिन पर दिन देती जा रही हैं बंगाल बीजेपी को। और अब यहां पर 24 विधायक भी जल्द ही भाजपा छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, ये दावा किया है मुकुल रॉय ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें, महापंचायत में गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी मंच पर पहुंचे हैं और जबरदस्त तरीके से गरजे हैं बीजेपी सरकार पर। अनाज मंडी में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी मंच पर पहुंच गए हैं। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं, उनके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी मंच पर पहुंच गए हैं और उनकी सीधी सी मांग है, जिन लोगों के भी इशारे पर किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि महापंचायत में किसान गरजे हैं खट्टर सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, किसानों के सिर फोड़ने का मामला, किसानों ने करनाल में बुलाई है महापंचायत, खट्टर सरकार बैकफुट पर, एसडीएम पर कार्रवाई की मांग। आप लोगों को बताते चलें, करनाल में 24 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे किसानों का सर फोड़ने का ऑर्डर देने वाले करनाल के एसडीएम के खिलाफ किसान लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के ही किसानों ने आज करनाल में एक बड़ी महापंचायत बुलाई है। किसानों की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सरकार तत्काल कार्रवाई करे। कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान पुलिस के बर्बर रवैये से भी नाराज हैं। किसानों ने अपना आंदोलन अब और भी तेज कर दिया है। अपनी मांगों के बारे में कोई जवाब नहीं मिलने के बाद नाराज किसान संगठनों ने करनाल स्थित मिनी सचिवालय घेरने का ऐलान किया हुआ है, जिसके बाद देख सकते हैं कि खट्टर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और किसानों ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी सरकार के खिलाफ। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, भाजपा में 30% विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। सीएम योगी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री ने किया है बड़ा खुलासा। यही 30% विधायक जो अभी मौजूदा है और इनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये सीधे तौर पर बगावत करेंगे बीजेपी के खिलाफ, जो कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस, भाजपा, सपा ने अपने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर जमीन पर उन संभावित उम्मीदवारों के बाबत गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल एक वरिष्ठ मंत्री ने ये यहां पर चौंकाने वाला खुलासा किया है कि इस बार 30% वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, उनकी जगह नए चेहरे उतारे जाएंगे। इस नाम काटे जाने वाली सूची में कुछ वर्तमान मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, यानी कि देख सकते हैं कि अंदरूनी फूट का सामना करेगी भाजपा ठीक विधानसभा चुनाव से पहले और यहां पर तगड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को अगर ये बीजेपी के नेता बाकी होते हुए नजर आए। देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है दोस्तों यूपी से। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, बेरोजगार युवकों ने योगी का किया है जबरदस्त विरोध, पूछा नौकरी कब दोगे बाबा। पूर्व आईएएस बोले इनका भी घर गिराया जाएगा क्या। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा शासित यूपी में सत्तारूढ़ योगी सरकार के खिलाफ राज्य के युवा लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए हैं। यूपी पुलिस के द्वारा कई बार छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया,
तो कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिसका विपक्षी दलों और आम जनता के द्वारा काफी विरोध भी हुआ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा भी योगी सरकार को बेरोजगारी और बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था पर घेरा जा रहा है। और वहीं इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान इंटर कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत की है। इसी दौरान वहां पर मौजूद युवाओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त विरोध किया है और पूछा है कि बाबा जी आपकी भर्ती कहां गई है। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि योगी जी का अपने गृह जनपद में ये हाल है, बेरोजगार युवकों के सवालों का सामना करने में डर लगता है। महाराज जी क्या शायद गोदी मीडिया के रटे रटाए सवालों का जवाब देने की आदत हो गई है, अब इनको अब क्या इन छात्रों पर मुकदमा होगा, राजद्रोह लगेगा क्या, या इन्हें गैंगस्टर घोषित कर इनका घर गिरा दिया जाएगा। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पूर्व आईएएस ने घेरा है योगी आदित्यनाथ को। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। ट्रिब्यूनल में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र की मोदी सरकार को फटकार, कहा हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। आप लोगों को बताते चलें, अलग अलग ट्रिब्यूनल में खाली पदों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार उसके आदेशों का सम्मान नहीं कर रही है। कोर्ट ने अगले सोमवार तक सभी पदों को भरने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार के इस रवैये के चलते कई ट्रिब्यूनल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ट्रिब्यूनल में खाली पदों का मसला सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से लंबित है। सरकार ने कई बार इन पदों को भरने का आश्वासन तो दिया, लेकिन इस सिलसिले में ज्यादा कुछ भी नहीं किया। इस समय लगभग 240 पद खाली हैं। और वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए कोई आदेश तो जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चेतावनी देकर के छोड़ रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगा दी है मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी की ताजपोशी की मांग, युवा कांग्रेस ने पास किया है प्रस्ताव, कहा कांग्रेस के नेता को एक बार फिर से सौंपी जाए पार्टी की कमान। जी हां दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस ने एक अहम प्रस्ताव पास किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। युवा कांग्रेस की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर गोवा के पणजी में शुरू हुई थी। इसमें देश भर से युवा कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। और वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। इसके लिए बैठक में सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। वह इकलौते ऐसे नेता हैं जो जनता के मुद्दे पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं और मोदी सरकार उनसे डरी हुई नजर आ रही है। ये यहां पर कहना है श्रीनिवास बीबी का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता, किसानों के समर्थन में बोले हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के बाद आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत का भाग्य विधाता डटा हुआ है और निडर है। राहुल गांधी ने किसानों की महापंचायत में उमड़ी जबरदस्त भीड़ की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। और वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसी से संबंधित एक खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि यही है देश की सच्चाई, केवल देश बेचने वाले शासकों को नहीं दिख रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UN VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।